आज की जो हमारी क्लासेस है वो है वी लुकअ इन प्रोग्रेस वी लुकअप या लुकअप मेथड भी हम कह सकते हैं वी लुकअप कर लीजिए या लुकअप मेथड कह लीजिए अब क्या होता है वी लुकअप या लुकअप मेथड? चलिए इस चीज पे हम आपके साथ डिस्कस करते हैं जैसे कि आप अपने कॉलेज की वेबसाइट पे जाते हैं और अपना रोल नंबर डालते हैं अभिषेक जी और आपका पूरा का पूरा रिकॉर्ड चलाता है रिजल्ट कर लीजिए रिकॉर्ड कर लीजिए सेम बैंक क्या करता है कि आपका अकाउंट नंबर अपने सिस्टम में फीड करता है ओके बटन पे क्लिक करता है और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है मतलब लाखों करोड़ों डेटा बेसिस में से सिर्फ आपका डेटा वो ढूंढ के निकाल देता है सेम उसी तरह से अगर आप बात करते हैं कि एम्प्लॉय आईडी ऑफिस के अंदर में आप एम्प्लॉय आईडी देते हैं एच आर आपका पूरा रिकॉर्ड निकाल देता है तो ये चीजें निकलती कैसे है इसी को हम लोग कहते हैं लुकअप मेथड मतलब कि एक पूरी की पूरी डेटा बेस है हमारे पास इस डेटाबेस में से एक पर्टिकुलर आईडी के यूनिक आईडी के बिहाब पे इंफॉर्मेशन डू ना दैट कॉल्ड लुकअप और वी लुकअप इसलिए क्योंकि वर्टिकल लुकअप है मतलब वर्टिकल डेटा को लुकअप करता है टॉप टू बॉटम डेटा को तो चलिए हम समझते हैं चीजों को जैसे मेरे पास आईडी नंबर 110 है और आईडी नंबर 110 की ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है मुझे यहाँ पे निकालनी है यहां पे. तो कैसे निकाले तो मेरे पास दो तरीके पहला तरीका है कि मैं यहाँ पे जाऊं कंट्रोल एफ करूं और मैं ढूंढू अपना डेटा यहां पे और सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला के जगह पे वैल्यू कर देते हैं 110 आ गया फिर इस डेटा को कॉपी करूं और यहाँ पे पेश करूं तो प्रॉब्लम क्या है ये तो मैनुअल हो गया कल तो के देश में 115 सौ यहाँ पे चेंज होगा तो फिर पूरा को डिलीट करके फिर से प्रोसीजर अपनाना होगा और मुझे ऐसे बहुत सारे डेटा हैं हर किसी के लिए करना पड़ जाएगा तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी तो यहाँ पे हम लगाएंगे का इक्वल पे आता है वैल्यू कि आपकी यूनिक आईडी क्या है तो हमने बोला वन जीरो सेवन अब बताइए किस डेटा में ढूंढना है तो हम डेटा में गए और डेटा का पूरा कॉलम सहित तो हम सिलेक्ट कर देते हैं पूरा कॉलम सिलेक्ट कर दिए ए से लेके एम तक लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा जब भी आप वी लुकअप का इस्तेमाल करें तो आपका पहला आई डी के भी आप ढूंढ रहे हैं ना डेटा तो के अंदर आई जो है पहले कॉलम में होना चाहिए आई पहले कॉलम में होना चाहिए फिर यहाँ पे कॉमा हमें कौन सा कॉलम का क्योंकि अगर मान लीजिए 110 या 110 की ही की बात करें तो वी लुकअप ने ढूंढा आपको मतलब 12 13 कॉलम को ढूंढना लेकिन स्पेशल रूट कहती है कि एक सेल पे किसी एक सेल का ही वैल्यू एपियर हो सकता है तो मुझे डेट चाहिए तो डेट का कॉलम नंबर है वन टू यहां पे टू देंगे और एक्जेक्ट मैच करने के लिए हम देंगे फॉल्स या जीरो ये देखिए ये आपका डेट आ गया वन जीरो सेवन का डेट आपको यहाँ पे शो कर दिया अब मुझे ऑर्डर वैल्यू चाहिए तो मैं फिर से वी लुकअप लगाऊंगा और आईडी नंबर को सिलेक्ट करूंगा डेटा में जाऊंगा अपने डेटा को सिलेक्ट करूंगा कॉमा वन टू थ्री थ्री दूंगा कॉमा जीरो अंडरप्रेस करूंगा देखिए यहाँ पे और नंबर आ गया उसी तरह से मुझे डी कॉलर में लगाएंगे फॉर्मूला वी का इसको सेलेक्ट किया डेटा में गए और डेटा को सेलेक्ट किए सेलेक्ट करने के बाद यहाँ डालूंगा कौन सा सेल्स सेल्स वैल्यू तो वन टू थ्री फोर और यहां पे हमारा फोर नंबर वैल्यू आ जाएगा कॉमा यहां पे फॉल्स कर देता हूं फॉल्स और एंटर आ गया सेम उसी तरह से मैं वी लुकअप लगाया इसको सेलेक्ट किया और डेटा में चले गए इस बार मुझे क्वान्टिटी लिख रहे हैं फॉल्स एग्जैक्ट मैच ओके सिक्स कॉमा जीरो ड्रैग नहीं कर सकते क्या ड्रैग कर करके सारा हो जाएगा कर सकते हैं इसको हम ड्रैग कर सकते हैं बट ड्रैग करने से पहले आपको करना होगा फ्रीज तो हम क्या करेंगे ए फोर का ए फ्रीज कर देंगे ताकि बी ना बन जाए डेटाबेस को फ्रीज करेंगे फिर इसको हम ड्रैग करेंगे बट ड्रैग करने के बाद आपको कॉलम नंबर तो देना ही पड़ेगा कि यहां पे आप सिक्स दे दीजिए फाइव के जगह पे सिक्स दे दीजिए फिर यहाँ पे आप सेवन दे दीजिए यहाँ पे आप एट दे दीजिए यहाँ पे आप नाइन दे दीजिए यहां पे टेन दे दीजिए यहाँ पे अलग तो ये थोड़ा तो सा टिपिकल लग रहा होगा कि ऐसे कॉलम नंबर काउंट करके देंगे तो कैसे सिक्वेंशली इसलिए दे क्योंकि मेरा ये हेडिंग सीक्वेंस में इसलिए है इसलिए hmm. लेकिन अगर सीक्वेंस ना हुआ तो पहले ढूंढना पड़ेगा क्या है फिर देना पड़ेगा तो इसका उपाय ये है कि आप ऊपर में एक कॉलम एंट्री करें एक कॉलम एंट्री कर दिए एक कॉलम में एरो इंसर्ट कर दिए और इस डेटा के अकॉर्डिंग आपके डेटाबेस में जो जो आपका हेडिंग का सीक्वेंस है उसका कॉलम नंबर यहाँ पे टाइप कर दे थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवेन टूवेल्व थर्टी ठीक है फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मूला वी लुकअप हम सेलेक्ट करेंगे वन ट्वेंटी को डेटा में जाएंगे डेटा को सिलेक्ट करेंगे डेटा सेलेक्ट करने के बाद ए यहाँ पे हम जो एक दो तीन लिखते हैं उससे अच्छा है कि लुकअप में जाए और इसको सेलेक्ट कर ले एंड कॉमा फॉल्स मतलब कि एग्जैक्ट मैच मतलब एक 120 बीस ही होना चाहिए 1200 नहीं 120 ही होना चाहिए फॉल्स क्यों लिखते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए बोला ना आपको मैंने एक्सल के अंदर में फॉल्स इक्वल टू जीरो जीरो इक्वल टू फॉल्स तो आप जीरो लिख दीजिए या फॉल्स लिख दीजिए सिलेक्ट कर लीजिए फॉल्स 120 बीस मतलब 120 सौ बीस ही होना चाहिए समझ गए 119 नहीं लेगा सिर्फ 120 बीस को ही लेना एग्जैक्ट अब इसको आगे हमें ट्रैक करना है तो आगे ट्रैक करने से पहले यहां पे हम ए कॉलम को फ्रीज कर दिए फाइव एफ फोर करके फाइव को फ्रीज कर दीजिए और बी वन का हम वन फ्रीज कर दिए और फिर इसको आगे की तरफ ड्रैग कर देना या फिर याद होगा कल हमने बात की थी कॉलन फॉर्मूले की कॉलन फॉर्मूले ने बताया जिस जिस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे उस कॉलम का कॉलम नंबर देगा जो कि टू और हमें वी लुकअप में टू ही तो डालना है तो क्यों ना हम वी लुकअप फॉर्मूला लगाते समय हम कॉलन रख कॉलन और कॉलन में सिलेक्ट कर लेते हैं इसको एंड कॉमा जीरो या फॉल्स प्रेस कीजिए आगे अब आगे ड्रैग करने से पहले ए सिक्स को ए सिक्स को हमने फ्रीज किया ए से एम को फ्रिज किया और हमने बी टू को फ्रिज किया बी टू को फ्रिज करने की जरूरत तो। नहीं है सिंपल और फिर कॉलम तो वाला दोबारा बताएंगे सिंपल से समझिए कि कॉलम फॉर्मूला में अगर हम डेटा के जिस कॉलम का सेलेक्ट करेंगे उस कॉलम का कॉलम नंबर देगा ठीक है तो यहां पे भी कॉलन है यहां पे देखिए सी है तो सी का थ्री दिया तो लुकअप थ्री का डेटा दे रहा है यहां पे फोर दिया तो फोर का डेटा दे रहा है फाइव दिया तो फाइव डेटा तो दे रहा है समझे जी तो आगे ड्रैग कर दिया थ्री आएगा ना फोर आएगा फाइव आएगा तो जो मैनुअली ऊपर लिखे थे वो हमने यहां पे कर दिया अब हम यहाँ पे बात करते हैं एरे मतलब कि मैं चाहता हूं कि एक ही फार्मूला से पूरा डेटा आ जाए अभी क्या कर रहे हैं हम हम यहाँ पे अभी फ्रीज, फ्रीज कर रहे हैं ट्रैक कर रहे हैं कॉलम काउंट बाउंड कर रहे हैं लेकिन एरे फार्मूला ऐसा नहीं करेगा एरे फार्मूला और आसानी से लग जाएगा तो वी लुकअप हमने सेलेक्ट किया डेटा और डेटा में गए डेटा में जाने के बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में सारे कॉलम नंबर इकट्ठा लिख दिए टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन टे और कल वही क्लोज किया यहाँ पे कॉमा जीरो कर देते या कर देते देते या फॉल्स एग्जैक्ट मैच के लिए अब एंटर मारिए एक ही फॉर्मूले में आप देखिए पूरा का पूरा फॉर्मूला हमारा लग के रिपोर्ट आ गया मैं दोबारा दिखाता हूं हम लगा हम लगाते हैं वीलो कप वीलो कप पे हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और चले गए डेटा में हमने डेटा वो किया सिलेक्ट यहां पे हम कर्ली ब्रैकेट में दिए यहां पे टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव कॉमा सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन टर्टीन कर्ली ब्रैकेट की क्लोज यहां पे कॉमा जीरो फोर एग्जैक्ट मैच और जस्ट एंटर प्रेस कीजिए ये आपका आ जाएगा समझे क्वेश्चन है कि हम लोग करली ब्रैकेट और जो नॉर्मल ब्रैकेट मतलब देखिये एरे के लिए होता है मतलब आप यहाँ पे वन टू थ्री फोर लिखे एक बार एक एक करके लिखे या एक सेल में आप करली ब्रैकेट में वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर लिख दीजिए तो एंटर प्रेस करते ही कॉमा के से कॉलम चेंज कर देगा और एक से चार नंबर यहाँ पे दे देगा दे गया? इसको बोलते हैं एरे तो सेम चीज़ यहाँ पे अपने कली ब्रैकेट में दिया जैसे यहाँ पे एक से लेकर चार अलग अलग कर दिया ऐसी एक से लेके दो से लेके तेरह इसने अलग अलग कर दिया और वी लुकअप को दे दिया और वी लुकअप उस, उस कॉलम नंबर के अकॉर्डिंग रिजल्ट ला दी समझ गए समझ में आया आपको स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर ब्राइकेट इसमें नहीं लगता है फॉर्मूला में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगता है कर्ली ब्रैकेट या नॉर्मल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट तो ये होता है ना जी तो ये आने लगता है, ए ब्रैकेट नॉर्मल है फॉर्मूले और कली ब्रैकेट एरे के लिए ओके ठीक है मैं कई सारे सेल्स की वैल्यू एक साथ देनी है तो हम कली ब्रैकेट का यूज करते हैं उसके अंदर डालते हैं, अब यहां पे एक और प्रॉब्लम आ गई प्रॉब्लम क्या आ गई कि मेरा हेडिंग चेंज होते रहता है फिक्स नहीं है जैसे कि कभी जोन क्वांटिटी सेल्स वैल्यू है तो कभी कस्टमर हो जाता है कभी डेट हो जाता है कभी प्रॉफिट हो जाता है सो मैं चाहता हूं कि मेरा वी लुकअप इसके अकॉर्डिंग करे जैसे कि मैंने यहां पे नॉर्मली वी लुकअप लगाया और जोन था तो हम चले गए डेटा में जोन की काउंटिंग की तो काउंटिंग थर्टीन है यहां देखिए ऊपर में थर्टीन आ रहा है थर्टीन सी तो यहाँ पे हमने कॉमा थर्टीन डाल के किया आ गया साउथ आ गया अब कल के डेट में जोन से हो गया कस्टमर अब मुझे अपना फॉर्मूला चेंज करना होगा थर्टीन से ट्वेल्व क्या तो मैं चाहता हूं कि ये जो ट्वेल्व हमने मैन्युअली डाला ये ट्वेल्व हमारे कॉलम के हेडिंग से लिंक हो जाए तो यहां पे हम यूज करेंगे मैच फॉर्मूला जो कि कल की क्लास में पढ़ा था तो मैच फार्मूला क्या करता है कि किसी भी सेल वैल्यू को किसी रो या कॉलन में ढूंढता है और ढूंढने के बाद उसका रो नंबर शो करता है तो इसने इसके अंदर ढूंढा और ढूंढने के बाद इसका रो नंबर जो भी है बारह तेरह चेंज हुआ दिया अब करके डेट में चेंज होगा से हम जोन करेंगे तो ये अपना नंबर चेंज कर लिया हम प्रॉफिट करेंगे क्वांटिटी शोल्ड करेंगे तो उस हिसाब से चेंज कर लेगा समझे अब जहां पे मैंने मैच फॉर्मूला के जो जो मैनुअली जो मैंने थर्टीन लिख रखा है या ट्वेल्व लिख रखा है उसके जगह पे हम मैच फॉर्मूला पेश कर दिए अब कनेक्टेड हो गया अब कल के डेट में मैं यहां पे कस्टमर टाइप करता हूं तो देखिए कस्टमर का डेटा कस्टमर आ गया एक सौ दस करते यहां आ गया। आ गया। कल के डेट में हम यहाँ पे डेट डालते हैं तो डेट आ जाएगा कल के डेट में यहां पे हम डालते हैं मान लीजिए कैटेगरी तो ये हमारा कैटेगरी आ जाएगा ठीक है लेकिन इसको आगे ड्रैग करने से पहले हमें इसको फ्रीज करना होगा तो मुझे ए को फ्रीज करना है फिर हमारा ए से एम डेटा है डेटा फिक्स है, इसको फ्रीज करना है इसमें हमें बी को छोड़ के थर्टीन को फ्रीज करना है और ए डेटा को फ्रीज करना है और यहां पे हमने इसको ड्रैग कर, तो इस हेडिंग के अकॉर्डिंग तो वी लुकअप समझ में आया आप सभी को वो मतलब फ्रीज हम किसको करते हैं आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। है। फ्रीज, अगर फ्रीज करने में सिंपल दिक्कत है तो सिंपल से मैंने बताया था कि फ्रीज करने से पहले आप कीजिए ड्रैक क्या कीजिए एक सेल को कीजिए ड्रैग और डबल क्लिक करके देखिए कि किसको नहीं आगे बढ़ना चाहिए था अच्छा। यहाँ पे आपका ए, बी हो गया ए होना चाहिए था ए बी से एन हो गया पर ए, फिक्स होना चाहिए था ये देखिए बी से एन हो गया इसमें फिक्स होना चाहिए था सी को फिक्स होने की जरूरत नहीं है सी सी होना चाहिए क्वांटिटी सोल्ड क्वांटिटी सही है समझे उसी चीज को कि भाई ए जो है बी नहीं होना चाहिए था और एम एम होना फ्री जो होना चाहिए था और ए भी आपका फिक्स होना चाहिए था सिंपल फ्री डॉलर जो आप लिखते हैं ए और एम के सामने एक ही डॉलर लिखते हैं ऑटोमेटिक आ जाता दूसरा -F4 है दूसरा नहीं एफ फोर कहते हैं एफ फोर एफ फोर एफ फोर ठीक है समझे ठीक है सर अब बात करते हैं हम एच लुकअप की कैसकी बात करेंगे एच लुकअप जैसे एग्जाम्पल में मेरे पास जो डेटा है ना अब मेरा डेटा टॉप टू बॉटम नहीं है मतलब कि जो मेरा यूनिक आईडी है वो ऊपर से नीचे की तरफ नहीं है मेरा यूनिक आईडी जो है वो लेफ्ट टू राइट है क्या है लेफ्ट टू राइट है और मैं चाहता हूं इसमें 105 का जोन निकाल जोन पता करना तो यहां वी लुकअप तो चलेगा नहीं क्योंकि वी लुकअप तो ऊपर से नीचे की तरफ डेटा खोजेगा तो यहां पे हम लगाते हैं फॉर्मूला वी लुकअप एच लुकअप माफ कीजिएगा एच लुकअप h lookup मतलब बाकी सब चीजें सेम है बस h आ जाएगा इसमें जी हाँ h lookup lookup value अब इसमें डेटा जो हमने सेलेक्ट किया था तो v lookup में हमने कॉलम बाय सेलेक्ट किया था इसमें सेलेक्ट करना है रो वाइज हमने v lookup में कॉलम काउंट किए थे इसमें काउंट करना है रो मतलब कि 7 नंबर रो बाकी सब कुछ सेम रहेगा आ साउथ समझे और कोई खास इसका यूज नहीं है लुकअप का अब यहां पे एक चीज और दिख आती है बात एक्स लुकअप क्या आता है एक्स लुकअप देखिए जो काम हम वी लुकअप से कर सकते हैं उस काम को एक्स लुकअप भी बड़ी आसानी से कर लेता है जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पे मान लीजिए कि मुझे दो सौ एक सौ बीस का डेटा चाहिए तो हमने लगाया फॉर्मूला एक्स लुकअप लेकिन एक्स लुकअप लेटेस्ट एक्सेल में है पुराने एक्सेल में नहीं है एक्स लुकअप हमने इसको सेलेक्ट किया डेटा में, में बोला लुक का लुकअप है तो इसमें पूरा डेटा नहीं देना है आपको सिर्फ आईडी का कॉलम देना है और फिर बोला है कि रिटर्न आई डी किसको ढूंढना है तो इसको ढूंढना है और इसको कर दीजिए एंटर डेटा आ गया अब इसको आपको करना है ए नाइन का ए फ्रीज और हमें ए बाई ए को फ्रीज करना है और बाकी जो कॉलम बी को फ्रीज नहीं करना है क्योंकि बी के बाद सी है डी है ई e है एफ है तो ऑटोमेटिकली ड्रैग कीजिएगा आ जाएगा इसमें कॉलम नंबर का झंझट बिल्कुल नहीं है तो यहां देखा आपने कि बी बीवाई सी वाई सी आ गया बी बीवाई की जगह पे यहां पे डी डीवाई डी आ जाएगा यहां पे ई e वाई आ जाएगा दूसरा एक और बेनिफिट है जैसे कि वी लुकअप में अगर हमने फाइव हंड्रेड लिखा तो यहां सॉरी ऊपर करते हैं यहां पे फाइव हंड्रेड लिखा ये तो कह रहे हैं फाइव हंड्रेड लिखा तो आप देखेंगे कि एने आ गया आ गया तो इस इसके जगह पे मैं चाहता हूं कि ब्लैंक आए या कोई मैसेज दे डेटा नॉट फाउंड वगैरह वगैरह तो मुझे इस वी लुकअप को इफ एरर की फॉर्मूले में डालना होता है इफ एरर और इसमें मुझे देना होता है इन्वर्टर पर ओपन एंड क्लोज या जो भी लिखना चाहते हैं डेटा नॉट फाउंड या जो भी मैसेज देना चाहते हैं इन वोटो कॉमा के बीच में आप लिख दीजिए और फिर इसको कीजिए ड्रैग तो अगर वैल्यू है तो रिजल्ट आएगा वैल्यू नहीं है तो ब्लैंक आएगा तो आपने इसमें क्या हुआ कि हमने इस एरर का एक अलग फॉर्मूला ऐड किया बट एक्स लुकअप के अंदर में इसी में आएंगे तो आएगा कॉमा इफ नॉट फाउंड कि अगर वैल्यू ना मिले तो क्या ना है तो यहीं पे आप ब्लैंक कर दीजिए जो भी मैसेज देना है मैसेज दे दीजिए तो इसमें अलग से इफ एरर फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है समझ गए तो ये काम तो मतलब ये वीलुकअप से भी हो सकता है तो इसके एक्सुकअप की जरूरत क्या है आपको डालना पड़ गया। में हमें जस्ट ड्रैग कर लिया वी लुकअप में आने पे ब्लैंक करने के लिए एक्स लुकअप में डालने की जरूरत नहीं है इसी के अंदर फीचर है बताया तो समझे ना जी सर एक और चीज है इसमें अब वी लुकअप की कमजोरी के बारे में बात करते हैं जैसे मुझे 106 नंबर आईडी की ऑर्डर वैल्यू चाहिए प्रॉब्लम है क्योंकि मेरी जो आईडी है वो डेटा के बीच में है अब मैं वी लुकअप से इससे आगे का डेटा ही उठा सकता हूं इससे पीछे का डेटा नहीं उठा सकता समझ गए बट एक्स लुकअप तो उठा सकता है यहां पे आप लगाइए एक्स लुकअप लुकअप वैल्यू और आपने दे दिया कॉलन के मुझे किसको ढूंढना है और किस क्या रिटर्न करना है तो ऑर्डर वैल्यू रिटर्न करना है आ गया और पता चला एक्स लुकअप का क्या यूज होता है जी सर लेकिन अगर एक्स लुकअप नहीं है और तो आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि आपके पास आईडी जो है बीच में है अब मुझे ये उठाना है वी लुकअप तो कोई कीमत पे नहीं उठाएगा तो यहां पे हम यूज करते हैं मैच और इंडेक्स फॉर्मूला हमारे पास एक इंडेक्स का फॉर्मूला होता है जो कि हम एक डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं उसमें बोलते हैं कि भैया सातवां आपका आठवा नंबर रो एंड दूसरा नंबर कॉलर तो डेटा उठा देता है बट अगर इस आठवें नंबर रो को हम ऑटोमेट कर दे वन जीरो सिक्स के अकॉर्डिंग तो वी लुकअप की तरफ बिहेव करेगा और आठ नंबर रो क्या निकाल के देगा कौन निकाल के देगा मैच तो मैच फॉर्मूले में वन जीरो सिक्स को हमने ढूंढा डी कॉलन में तो बता दिया कि भाई इसका रो नंबर एट है अब इस मैच फॉर्मूले को हमने उठाया और डाल दिया जहां पे मैनुअल हमारा एट था वहां पे अब देखिए कि वी लुकअप की तरफ फॉर्मूला वर्क गया ठीक है तो जहां पे वी लुकअप नहीं हो पाता है वहां पे हम मैच इंडेक्स करते हैं लेकिन सबका है यहां पे मैच इंडेक्स लगाने की जरूरत नहीं है एच लुकअप लगाने की जरूरत नहीं है एच लुकअप काम भी एक्स लुकअप कर देता है कि एक्स लुकअप हमने इसको सेलेक्ट किया क्योंकि एक्स लुकअप वर्टिकल ओरिजेंटल दोनों चलता है ठीक है